यो वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। एंड कैसा हैं आप लोग? होप सब फाइन होंगे। आज बात कर रहे हैं पांच कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आप लोग अपनी बाइक में करते हो, ये ऐसी चीज़ें हैं गाइस, ये लाइक ये पांच पॉइंट ऐसे हैं जो सारी बाइक के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं, ना सिर्फ एक्सपल्स पे बट आपके पास कोई भी बाइक रहेगी ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। सो अगर इन पाँच चीज़ों को आप अपने बाइक के साथ करते हो ना, तो फ्यूचर में आपको अपने बाइक के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या तो सर्विस में थोड़ा इशू आ सकता है, तो वो एक चीज़ ये है। तो वो कुछ चीज़ें हैं। सो पहली जो चीज़ है गाइस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्विस को लेकर है। अगर आप लोग अपनी बाइक की सर्विस टाइम टू टाइम नहीं रखते हो तो डेफिनेटली आपको इंजन का परफॉर्मेंस थोड़ा गिर सकता है, माइलेज थोड़ा गिर सकता है, या तो बाद में आगे चलकर आपको कुछ बहुत बड़ा मेजर खर्चा एक ही साथ में गिर सकता है। सो ट्राई करो कि आपका बाइक का जो सर्विस है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम रहे। और एक चीज़ ये भी है कि लाइक अगर आप लोग अपनी जो फर्स्ट कुछ फ्री सर्विसेज रहती हैं लाइक, सो कुछ कुछ कंपनीज का इस लाइक 3 फ्री सर्विस देती है, कुछ कंपनीज 5 फ्री सर्विस देती है। ओके, तो बेसिकली अगर ऐसा होता है कि अगर आप लोग एक भी सर्विस का टाइम लैप्स करते हो या तो टाइम पे नहीं करवाते हो, तो फिर ऐसा होता है कि लाइक आपको एक सर्विस उसमें से वो कट कर देते हैं या तो फिर वो बाइक की सर्विस फिर पेड में डाल देते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि आपका जो भी फ्री सर्विस है आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, तो डेफिनेटली उसके ऊपर ध्यान देना, जो भी आपको फ्री सर्विस मिल रही है कंपनी की तरफ से उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। ये है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट गाइस, आई डोंट नो व्हाई बट तो मैंने कुछ बाइक ओनर्स को देखा है गाइस जो अपने लेग गार्ड्स पे बॉटल होल्डर को ये करने के लिए यहाँ पे या तो यहाँ पे वो ड्रिल करते हैं या तो यहाँ पे वेल्डिंग करवाते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी कुछ फुटरेस्ट के लिए वो वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं या तो यहाँ पर वो वेल्डिंग करवाते हैं कुछ लगेज वगैरह के लिए। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करो। मार्केट में डायरेक्ट फिट होने वाली एक्सेसरीज भी मिलती है, उसके ऊपर थोड़ा सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपके बाइक के लिए आपको वो मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स के लिए भी गाइस बहुत सारी ऐसे ही एक्सेसरीज अवेलेबल है। तो डायरेक्ट वेल्डिंग करना किसी भी पार्ट में, मेटल के पार्ट में, वो बाइक के लिए भी कभी कभी ठीक नहीं रहता है, प्लस आपके सर्विस में भी वो इम्पैक्ट करता है, तो वो एक चीज़ है। सो अवॉइड करो उसको। और बात करते हैं नेक्स्ट थिंग, मैंने बहुत सारे बाइक ओनर्स को देखा है कि लाइक वो जो लाइटिंग वगैरह कराते हैं, टेल लाइटिंग वगैरह चेंज करते हैं, बल्ब चेंज करते हैं, कभी कभी उसका डायरेक्ट कनेक्शन वो यहाँ जो बैटरी रहती है बैटरी में करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि लाइक आपका जो बाइक का बैटरी का परफॉर्मेंस रहता है वो गिर जाता है। तो लाइक आपका बैटरी कभी आप सेल्फ स्टार्ट करोगे तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा, या तो कभी कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है किसी और इलेक्ट्रिकल्स में, तो वो एक चीज़ है। सो कभी भी अपना जो भी वायर का कनेक्शन रहता है डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट मत करो, और अगर कर रहे हो तो एक बार अपने सर्विस सेंटर में कन्फर्म कर लो या तो एक जो प्रॉपर मैकेनिक रहता है उसके पास जाके करवाओ, सो लाइक आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना आए। बट खुद से ये ट्राई मत करो अनलेस और अंटिल आप प्रोफेशनल हो, अपने बाइक को ऑलरेडी या अपने बाइक की सर्विस खुद वगैरह करते हो और आपको इलेक्ट्रिकल्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो अलग बात है। बट फिर भी वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप अपने बाइक के साथ डायरेक्ट जो भी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन आता है अगर डायरेक्टली आप यहाँ से करते हो अपने बैटरी से करते हो, तो वो एक चीज़ को अवॉइड करो। ओके, नेक्स्ट थिंग ये भी वायरिंग से ही है। मैंने बहुत लोग को देखा कि यहाँ पर जो माउंट होल्डर रहता है मोबाइल माउंट होल्डर, अभी आजकल नया फैशन निकला है कि वायरलेस माउंट होल्डर चाहिए, राइट? तो लाइक अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो बैटरी भी चार्ज होता रहेगा, प्लस उन लोग अपने फ़ोन का नेविगेशन भी देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है वो वेस्ट है, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने साथ पावर बैंक वगैरह कैरी करोगे। माउंट होल्डर की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? या तो आपको प्रॉपर नेविगेशन चाहिए या तो कुछ नोटिफिकेशन वगैरह रहते हैं जो आपको अपने फ़ोन में पता चलते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, अगर आप बाइक राइडिंग कर रहे हो उसके लिए रहता है, और तो उसका कुछ यूज़ नहीं है मेरे हिसाब से। सो बस उसके लिए अगर आप लोग कर रहे हो वो माउंट होल्डर लगा रहे हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट गाइज अगर वो माउंट होल्डर जो आप लगा रहे हो वहाँ पर अगर वो वायरलेस है और फिर उसमें से वायर आपका वापस से कनेक्ट होता है बैटरी में, वापस वही प्रॉब्लम जो अभी आप लोगों को बताया पिछले पॉइंट में, तो मुझे नहीं लगता है वो एक राइट डिसीजन है। वायरलेस माउंट होल्डर को यूज़ करने से बेटर है कि एक पावर बैंक अपने साथ कैरी करो। और मोस्टली आज के टाइम पे देखोगे ना जो भी सेल फोन्स वगैरह रहते हैं, जो भी स्मार्टफोन्स वगैरह रहते हैं, तो वो फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, तो आप लाइक उनको अगर 20 मिनट भी चार्जिंग पे रखोगे ऑलमोस्ट वो 80% चार्ज हो जाते हैं, तो वो एक चीज़ है। मेरा आईफोन 11 अभी इतना 3 साल पुराना हो गया बट स्टिल इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 20 वाट्स का, तो ठीक है, मुझे लगता नहीं कि उसकी कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट भी है, तो वो एक चीज़ है। और वो ऑलरेडी वो आपके बैटरी को उल्टा डैमेज करता है, तो उसके साथ नहीं जाओगे तो ही बेटर रहेगा। जा रहे हो तो वो आप कर सकते हो, उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट स्टिल ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। सो नेक्स्ट थिंग गाइस जो है वो अपना एग्जॉस्ट को लेकर है। बात करते हैं एग्जॉस्ट की, बहुत लोग अपना एग्जॉस्ट भी चेंज करते हैं अपने एक्सपल्स में, एक स्लिम आता है वो यूज़ करते हैं, आफ्टर मार्केट भी बहुत सारे एग्जॉस्ट अवेलेबल रहते हैं वो यूज़ करते हैं बेटर साउंडिंग के लिए या तो फिर यूजबिलिटी के लिए, तो बट मुझे पर्सनली उसका लुक अच्छा नहीं आता है, रेसिंग चालू है,
बट मुझे उसका लुक पर्सनली अच्छा नहीं आता है। इसका ये जो स्टॉक का ओरिजिनल जो लुक आता है ना गाइस, वो बाइक पे काफ़ी अच्छा शूट करता है, प्लस साथ में ही बाइक को एक थोड़ा पीछे से मस्कुलर लुक भी प्रोवाइड करता है। ओके, सो जो ओरिजिनल है वही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और जो आफ्टर मार्केट जो स्टॉक्स रहते हैं वो उतने इफेक्टिव भी नहीं रहते, माइट भी वो आपके इंजन पे भी कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं, या तो फिर आपका माइलेज जो है वो भी थोड़ा गिर सकता है। हाँ, बट अगर कुछ सिचुएशन में वो ठीक भी रहते हैं, लाइक अगर आप सैडल स्टे लगाना चाहते हो तो अभी आप सो अगर आपका जो एग्जॉस्ट है वो अगर थोड़ा स्लिम रहता है तो वो सैडल स्टे के लिए काफ़ी बेटर रहता है। तो बस अगर उसके लिए करवा रहे हो, कुछ ऐसा यूजिबिलिटी के लिए करवा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कुछ फैंसी डिज़ाइन वगैरह के लिए कर रहे हो या तो फिर बस बेटर साउंडिंग के लिए कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक है, बिकॉज इंजन पे प्रॉब्लम रहता है, प्लस माइलेज का भी इशू आ सकता है। और अगर RTO वाले ने पकड़ा तो माइट भी अगर आपका वो ज़्यादा लाउड करता है तो आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है, वो एक चीज़ भी है, सो अवॉइड करो। सो ये कुछ पांच चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि आपको अपने बाइक के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। अगर करते हो तो माइट भी आपको बाइक के साथ कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है, या तो आपके सर्विस में कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप लोग के माइंड में भी कुछ ऐसा थॉट्स है जो ऐसा लगता है कि आप लोग को अपने बाइक के साथ चेंज नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली मुझे कमेंट में शेयर करो। ऑलरेडी मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, डेफिनेटली मुझे भी जानने में इंटरेस्ट रहेगा कि लाइक आप लोग क्या सोचते हो। और जो मैंने आप लोगों को ये पांच चीज़ें बताई उसमें से अगर आप लोगों को कुछ अपना ओपिनियन है उसके बारे में तो वो भी डेफिनेटली कमेंट में शेयर करो। सो गाइज, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस नहीं होगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।